अमित शाह ने की बिहार में जल्द चुनाव की भविष्यवाणी। क्या गिर सकती है नीतीश कुमार की सरकार? नीतीश कुमार ने छोड़ा था एनडीए का साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 16 सितंबर को बिहार के दौरे पर हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने यहां मधुबनी जिले के झांझरापुर में पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए बिहार में जल्द चुनाव की भविष्यवाणी की। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। अमित शाह ने कहा, मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार में जल्द ही चुनाव होगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री के इस दावे के साथ ये जानना जरूरी है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा है और इस वक्त बिहार विधानसभा की स्थिति क्या है। बिहार की 243 सदस्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें अनिवार्य हैं। इस वक्त राज्य में महागठबंधन की सरकार है। राज्य में विपक्षी दलों में बीजेपी के पास 78, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सीटें हैं, 1 सीट AIMIM के पास है। विधानसभा के मौजूदा समीकरण को देखें तो नीतीश कुमार के लिए कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल महागठबंधन सरकार सुरक्षित है। बिहार में आखिरी विधानसभा के चुनाव साल 2020 में हुए थे, जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ थे। चुनाव में जीत के बाद एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुने गए। हालांकि बीते साल अगस्त में नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुई, जिसके बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी। केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार को रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा, बिहार में अपहरण, गोलीबारी, लूट खसौट, पत्रकारों एवं दलितों की हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। लालू यादव फिर से एक्टिव हो गए हैं, नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार कैसे चलेगा। अमित शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, अमित शाह कुछ भी बोलते हैं, हम उन लोगों की किसी बात पर ध्यान नहीं देते। बिहार का कितना विकास हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उन्हें कोई जानकारी है? कई दल एकजुट हो रहे हैं, इसीलिए वे घबराए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।